नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदा बस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या देखा बच्चों? हाँ, आपको याद में है ना बच्चों, क्या बोल कर दिया था? बोलिए बच्चों, पहले स्वर के बारे में। स्वर क्या मतलब है? देखिए वोवल्स, वोवल्स के कितने लेटर्स है बच्चों? 13 लेटर्स, हिंदी में से 13 बोला जाता है। समझ में आया ना बच्चों? अच्छा सा देख लो, कितने लेटर्स है? 13 लेटर्स। अच्छा, इसे वोवल्स, इसे अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू बोला जाता है। समझ में आया ना वोवल्स के लिए? सो हिंदी में आठ वाह के लिए स्वर, इसे अंग्रेजी में वोवल्स बोलते हैं। इसके 13 लेटर्स है। हाउ मेनी लेटर्स? 13 लेटर्स। एक बार मैं आपको बोल के देती हूँ बच्चों, याद दिलाती हूँ पिछले पार्ट का। अ आ इ ई उ ऊ कृ ये आई वो औ अम अह है ना याद में बच्चों? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आइए व्यंजन। इसे अंग्रेजी में हम लोग काउंट करेंगे ना, कितना लेटर्स है देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 letters. कितने letters है व्यंजन में? 37 letters है। अच्छा बच्चों, स्वर में 30 letters है, व्यंजन में 37 letters है। आपको याद में रखना चाहिए, मैं पिछले क्लास में आपको जरूर पूछूंगी बच्चों। अच्छा मैं एक बार इसे चलाती हूँ, याद में रखो। क ख ग घ न्या छ छ ज झ न्या त थ द ध न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स हा श त्र न्य श्र। इसे अच्छा सा याद रखो, 37 लेटर्स है ये, स्वर आके 13 लेटर्स है। अच्छा देखो, ये देखो ऊपर क्या टॉपिक दिया मैंने, क्या शीर्षक दिया बच्चों? बारह खड़ी। ये आके मात्रा के रूप में बोला जाता है। अच्छा ठीक है बच्चों, ये लेटर्स को ये लेटर आप देखो, आ की मात्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं, आ की मात्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं। अ प्लस अ ख, इसे हम कैसे बोलते हैं? इक प्लस अ क, ये देखिए बच्चों, एक प्लस अ क। नेक्स्ट आके एक प्लस अ ख, सबको आ की मात्रा, ये देखो आ की मात्रा है। ये एक बार आपको किताब दिखाती बच्चों, देख एक मिनट बच्चों, पिछले पार्ट में हमने सिर्फ लेटर्स ही नहीं देखा था, क्या देखा था? टू लेटर वर्ड्स देखा था। क्या क्या टू लेटर वर्ड्स? सब तब कब जब जग यन, इस प्रकार। और थ्री लेटर्स वर्ड क्या देखा था प्रीवियस सेशन में? ये देखिए, ये क्या है आपको याद में होगा, ये क्लिपिंग, ये पिक्चर्स मैंने दिखाया था। कमल, कलम, नगर, सड़क, ये थ्री लेटर वर्ड्स है बच्चों, याद में है ना? ये क्लिपिंग को याद में देख लीजिए। हाँ, थ्री लेटर वर्ड्स मैंने सिखाया था। इसके बाद में आपको अब बारह कड़ी के बारे में बताने वाली। ये देखिए आ की मात्रा, ये देखो ये है बारह खड़ी, क क की फॉर्मेट किताब है, ये देख लीजिए। हाँ, इसमें पहला वाला लाइन ये है, इक प्लस आ क, इक प्लस आ का, इक प्लस ई खी, इक प्लस ई खी, इस प्रकार आएगा। हम लोग सिर्फ आ की मात्रा को देखने वाले हैं। ये देखिए आ की मात्रा में कोई इसके पास में लाइन नहीं आएगा। ये देखो पिक्चर्स देखो पहले बच्चों। हाँ, ऊपर टॉपिक देख लो आ की मात्रा के लिए। हाँ देखो बच्चों, कमल, इसमें कोई मात्रा है क्या? आ की मात्रा के लिए एक भी मात्रा रहेगा, सिर्फ वो एक ही अक्षर को जुड़कर एक शब्द बनेगा, एक वर्ड बनेगा। कमल, कमल। छम, इम, छ, चम्मच, स्पून, लोटस,
देखो ढक्कन ढाइकाइन ढक्कन ढक्कन इज अ लिड जो कवर करके रखते हैं बर्तन को वेसल्स को। नेक्स्ट आके नल 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 था। और देखो बस तो बतख 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 हार्ड डक। और देखो फल फल फल। देखो इस वर्ड्स में एक भी मात्रा नहीं, इसी प्रकार आ की मात्रा के लिए ख ख ग घ म ज ऐसे ही आएगा, इसका कोई मात्रा लाइन के आएगा नहीं, वो की मात्रा नहीं आएगा, वो की मात्रा में ऐसा आएगा, लेकिन आ की मात्रा में सिर्फ वो लेटर्स आएगा, सेम वन लेटर से आएगा, उसके लिए कोई मात्रा नहीं, जो शब्द पढ़ोगे वैसे ही पढ़ोगे। ये देखो ये क्लिपिंग को और एक बार दिखा रहे हो, ये घर में ध्यान से देखिए आ की मात्रा के लिए क्या है, कमल चम्मच ढक्कन नल बदख फल। देखिए बच्चों हाँ अब देखो ये देखो बोर्ड में इक प्लस अ ख इक प्लस अ ख इक प्लस अ ग इक प्लस अ घ इप प्लस अ म इट प्लस अ ज इट प्लस अ ट इत प्लस अ त ये सब आ की मात्रा। तुम जो भी अक्षर के साथ हम आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो सिर्फ वो लेटर ही आएगा आपको। देखो अब देखो इच प्लस अ छ इच प्लस अ छ इत प्लस अ थ इप प्लस अ प इस प्लस अ श इस प्रकार। अच्छा सा मात्रा को तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम हिंदी अच्छी तरह से लर्न कर सकोगे। धन्यवाद बच्चों।